हेलो दोस्तों, एंड मैन क्वांटमानिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एंड मैन की सीरीज में किरदार को पॉल रड निभाते हैं। इस बार एंड मैन क्वांटम रेल में नई जंग होने वाली है। क्वांटम रेल वो जगह है जहां चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और इन्हें साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इस फिल्म के साथ मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का पाँचवा फेज भी शुरू हो रहा है। इस फेज की पहली फिल्म एंड मैन एंड द वास्प क्वांटमानिया का ट्रेलर भी आ चुका है। थानोस के बाद अब एक और खूंखार विलन कॉन्ग की दुनिया देखने को मिलने वाली है। इससे पहले मार्वल के फैंस ने लोकी में कॉन्ग को देखा है। ट्रेलर में जो कहानी की झलक दिख रही है उसमें क्वांटम रेल की नई दुनिया में एंड मैन और वॉक्स की एंट्री होती है और वहां के नज़ारे एकदम अनोखे हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि स्कॉटलैंड होप टीम की बेटी केसी एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में वापस आने के लिए एंट मैन और वाप्स को ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। एवेंजर्स एंड गेम में एक चुटकी में आधी दुनिया खत्म करने के बाद जब एंट मैन लौटता है जो कि 5 सालों से क्वांटम रेल में था, करने का आइडिया आता है। स्कॉटलैंड थोड़ा इससे भी परेशान है कि लोग उन्हें स्पाइडर मैन कहने के लिए मजबूर है, लेकिन ट्रेलर के अंत पे देखते हैं कि सिर्फ एक ही किरदार है जो स्कॉट को एंड मैन कहकर पुकारता है और वो है कॉन्ग। ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और लगभग साफ है कि थानोस के बाद अब कॉन्ग से लड़ने के लिए एवेंजर्स की टीम फिर से एक होने वाली है। मार्वल स्टूडियो की इस फिल्म में एक बार फिर एंड मैन और वास्प की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। दोनों एक नए एडवेंचर्स पर